यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया या यूनिसा, एडलेड में यूनिवर्सिटी बेस्ड बड़ी फेमस है। यूनिवर्सिटी साउथ ऑस्ट्रेलिया अर्ली ट्रांजिशन प्रोग्राम या फास्ट ट्रैक स्टडीज प्रोग्राम ऑफर करती हैं, जिसे ETP भी कहा जाता है, प्रिपेयर एंड सपोर्ट यू फॉर द सक्सेस टू योर चोजन पाथवे। ETP इज ऑफर्ड टू सेलेक्टेड डिग्री इंक्लूडिंग एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स साइंस एट यूनिसा। ETP इज करेंटली ओनली अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसकी इंटी रिक्वायरमेंट में इंटरनेशनल बैकलेट, कंपटीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, या आपने ओ लेवल्स किया होगा, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ, IELTS 5.5, नो लेस देन 5.0 इन ईच। आपके पास इसके अलावा TOEFL IBT 59 विद 14 इन राइटिंग एंड स्पीकिंग होना बहुत जरूरी है, PT ओवरऑल 42 होना बहुत जरूरी है, और ETP आर्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आर्किटेक्चर स्टडीज, कम्युनिकेशन डिजाइन, इलस्ट्रेशन एंड एनिमेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, इंटीरियर आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी, सोशल ETP, आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग भी आपको मिल जाता है। इसमें इंटेक आपको फेब, जून एंड अक्टूबर 3 दफ़ा मिलते हैं। ETP जो है वो आपको इंजीनियरिंग में भी ऑफर करता है, जिसके अंदर आपको एविएशन मैनेजमेंट, एविएशन फ्लाइट्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम मिल जाते हैं, जिसमें बैचलर ऑफ साइंसेज आपके अगर हम बात करें तो ETP हेल्थ साइंसेज में भी ऑफर हो रहा है आपके पास, जो कि फेब एंड जून 2 दफ़ा ही होता है। इसकी प्रोग्रेशन डिग्री सिंपल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, लेबोरेटरी मेडिसिन एंड बायोमेडिकल साइंसेज जैसे प्रोग्राम है। डिप्लोमा ऑफ आर्ट्स की अगर बात करूँ तो इसमें आप समझें कि फेब एंड जून एंड अक्टूबर 3 दफ़ा ऑफर होती है। 8 to 24 months इसकी ड्यूरेशन होती है। Stage 1, 1 to 8 months का होता है, टू अप टू 12 months तक चला जाता है, और Stage 2, 8 to 12 months का होता है। इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है, एंट्री रिक्वायरमेंट सिंपल डिप्लोमा Stage 1, जिसे हम Year 1 ऑफ द यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, या अर्ली ट्रांजिशन प्रोग्राम ETP अगर आपने किया हुआ, सेम वही फाउंडेशन किया हुआ जिसे हम ETP कह रहे हैं, और वो आपको Stage 2 में डिप्लोमा वन में ऑफर आपको डिग्री आपको वो कर रहे हैं, तो डिपेंड करेगा आपने क्या किस रूट से आप आ रहे हैं, थ्रू यूनिसा ही आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, या आप इंटरमीडिएट करके आ रहे हैं, या ओ लेवल्स करके हैं, तो मिनिमम 50% तक अगर आपके पास मार्क्स हैं ओ लेवल्स में, या 3 Ds भी हैं इंटरमीडिएट ओ लेवल्स में 50% तक के मार्क्स हैं, यू आर एलिजिबल मैक्स उस प्रोग्राम के लिए। ईयर 12 में 55 मांगा गया है। बस हाँ, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके पास फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। ईयर 2 55 है, एलिजिबल है फॉर Stage 2। स्टेज टू के लिए अगर 55% नहीं है तो फिर वो थ्रू जो है ईयर वन में आएंगे। आई 5.5 विथ 5.0 इन ईच का IELTS चाहिए, TOEFL 42 से 59 चाहिए, जिसमें 14 स्पीकिंग एंड राइटिंग, PT ओवरऑल भी 42 चाहिए। इसकी सिंपल ये ईयर टू यूनिवर्सिटी यूनिसा की तरफ आपको प्रोग्रेशन मिलती है, जिसमें बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के अंदर आपको प्रोग्रेशन मिल जाती है, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग एंड लिटरेचर, कल्चर स्टडीज जैसे प्रोग्राम मिल जाते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स भी मिल जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी आपको मिल जाएगा, साइकोलॉजी, सोशल मीडिया, सोशोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड मीडिया, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड फिल्म टेलीविजन, साइकोलॉजी से प्रोग्राम भी आपको मिलते हैं। अदर देन जर्नलिज्म एंड प्रोफेशनल राइटिंग भी आपको मिल जाता है। ईयर वन एंट्री ऑफ द यूनिसा सिंपल, आपको अगर ETP के थ्रू आए तो ईयर वन में है आपको प्रोग्रेशन मिलती है यूनिसा की, जिसमें आपको बैचलर्स ऑफ कॉन्टेम्परी आर्ट्स या बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन एंड एनिमेशन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन जैसे प्रोग्राम में मिलते हैं। अगर आप बैचलर्स ऑफ सोशल साइंसेज या सोशल वर्क के अंदर अगर आप अपना डिप्लोमा ले रहे हैं तो इसमें आपको ये मेजर मिल जाएगा। बैचलर्स ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्चर की आपको प्रोग्रेशन मिल जाती है। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर स्टडीज, बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड और प्राइमरी एजुकेशन मिल जा की भी मेजर्स मिल जाते हैं। डिपेंड किस लेवल का डिप्लोमा आप चूज़ कर रहे हैं। अब डिप्लोमा बिजनेस की अगर बात करें तो ये सेम साल में फैब, जून एंड अक्टूबर में ऑफर हो रहा है। ड्यूरेशन वही 8 to 24 months की है, या Stage 1 आपका 8 to 12 months है, Stage 2 आपका 8 to 12 months है। फी Stage 1 की $27,000 है, और आपके ओवरऑल जो आपके हो आप समझें, और Stage 2 की 33,600 है। Stage 1 सिंपल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, और Stage 2 सिंपल तो आपका ईयर वन ऑफ द यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा की बात करें 33,600 फीस है। सिंपल आपको 55% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, इससे ब्लू नहीं होना चाहिए। ए लेवल्स में आपके 2 A-level passes, 1 AL का भी हो तो होता है, या 2 AS passes भी एक्सेप्टेबल है। IB के अंदर 18 पॉइंट्स विद मिनिमम 6 subjects होना चाहिए। IELTS 5.5 विद नो लेस देन 5.0 इन ईच कंपोनेंट। TOEFL IBT 42 से 59, 14 इन स्पीकिंग राइटिंग हो, PT ओवरऑल 42 होना चाहिए। ईयर वन
एंट्री बनती है यूनिसा की, जिसमें आपको बैचलर्स ऑफ बिजनेस डिजाइन एंड मार्केटिंग, बैचलर्स ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, बैचलर्स ऑफ लॉ, बैचलर्स ऑफ एविएशन मैनेजमेंट, पायलट फ्लाइट या बैचलर्स ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में आपको मिल जाती है। ये वो प्रोग्रेशन है जो बेसिकली आप ईयर वन के थ्रू, स्टेज वन ETB प्रोग्राम या ईयर वन के थ्रू ले रहे होते हैं। ईयर टू की जो एंट्री बनती है यूनिसा के अंदर, ऐसे प्रोग्राम जो स्टूडेंट डिप्लोमा के ऊपर आए हैं, उसमें आपको बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड ट्रेड, HRM, इनोवेशन एंड एंटरप्राइज मिलता है, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मैनेजमेंट मिल जाएगी, फाइनेंस, टूरिज्म एंड एनी मैनेजमेंट का आपको मेजर मिल जाता है, मैनेजमेंट मार्केटिंग के साथ, इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट हो गया आपके पास, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम भी ये आपको प्रोग्रेशन में मिल जाती हैं। आपकी तमाम की तमाम डिग्री की प्रोग्रेशन मिल जाती हैं। इसके अलावा बैचलर्स ऑफ कॉमर्स अकाउंटिंग भी आप प्रोग्रेशन ले सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड डिप्लोमा ऑफर हो रहा है वो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का हो रहा है, जो फेब, जून एंड अक्टूबर साल में 3 दफ़ा ऑफर होता है। इसका स्टेज वन $27,000 में मिलता है और स्टेज टू $37,700 में मिल जाता है। सिंपल ईयर वन की एंट्री, स्टेज वन से अगर आप आ रहे हैं तो आपको बैचलर्स ऑफ साइंसेज, बैचलर्स ऑफ एविएशन मैनेजमेंट जो कि फ्लाइट मैनेजमेंट की बात हो रही है, बैचलर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो अवेलेबल विद ऑनर्स डिग्री, अदर देन बैचलर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, आर्किटेक्चर साइंसेज एंड इंटीरियर आर्किटेक्चर और बैचलर्स ऑफ डिजाइन या प्रोडक्ट डिजाइन जैसे प्रोग्राम आपको स्टेज वन की प्रोग्रेशन में मिल जाते हैं। अगर आप ईयर टू यूनिसा की प्रोग्रेशन की बात करें, ये ईयर वन यूनिसा थी, ये ईयर टू है, तो इसमें आप बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल या सिविल एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड मैकेट्रॉनिक्स या मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स या मैकेनिकल एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रोग्राम में प्रोग्रेशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। अदर देन दैट, ये यूनिवर्सिटी जो है, ये आपका जो यूनिसा है या आपका जो एंजबरी कॉलेज है, ये बेसिकली आपको ऑफर करता है डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंसेज। अच्छा, यूनिसा का जो डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसमें फेब, जून एंड अक्टूबर 3 इंटेक है, स्टेज वन स्टेज टू दोनों ऑफर करते हैं। आप समझ गए होंगे अब तक स्टेज वन और स्टेज टू का मतलब। $27,000 फाउंडेशन की फीस है, $33,600 आपकी डिप्लोमा की फीस है, 55% आपके ओवरऑल इंटरमीडिएट में होना चाहिए स्टेज टू के लिए, और इससे ब्लो हैं तो आप स्टेज वन में जाएंगे। टू ए लेवल्स पासिस या टू ए लेवल्स के पासिस या आपके टू ए एस पासिस भी होंगे तो जब भी चलता है। IB में 18 होना चाहिए, विथ सिक्स सब्जेक्ट, IELTS हुई 6.0 विद नो लेस देन 6.0 इन ईच, क्योंकि ये हेल्थ साइंसेज की बात हो रही है, यहाँ रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है। TOEFL भी आपका समझेंगे IBT ओवरऑल 60 से 78 होना चाहिए, 20 स्पीकिंग एंड राइटिंग मांगा गया, PT ओवरऑल 50। ईयर वन एंट्री मिल जाएगी यूनिसा के अंदर, जिसमें बैचलर्स ऑफ हेल्थ साइंसेज, पब्लिक हेल्थ, बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडिएशन, मेडिकल इमेजिंग रेडिएशन थेरेपी या न्यूक्लियर मेडिसिन, या बैचलर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड साइंसेज, बैचलर्स ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी जैसे प्रोग्राम आप ले सकते हैं। बिसाइड दिस, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज और नर्सिंग जैसे मेजर्स भी आपको मिल जाते हैं स्टेज वन पे, या डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स की जो यूनिसा की बात हो रही है। ईयर टू की अगर बात करें, अगर आपने डिप्लोमा किया है बैचलर्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट और बैचलर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड साइंसेज के अंदर आपको प्रोग्रेशन मिल जाती है। बैचलर्स ऑफ डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, ये भी फेब, अक्टूबर एंड जून 3 दफ़ा ऑफर करती है। स्टेज आपका जो है टू जो है वो आपका स्टेज वन और स्टेज टू दोनों है, $27,000 फीस सेम है, स्टेज टू $35,200 फीस है आपकी, इनकी रिक्वायरमेंट भी वही 55-50 इन्होंने रखी हुई है, वही IB AL के पॉइंट्स आपके ग्रेड्स चाहिए, इवन दो IELTS भी सेम चाहिए 5.5 विद नो लेस देन 5, सेम PT, एवरीथिंग इज सेम। तो बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी जो प्रोग्रेशन है वो बैचलर्स ऑफ डिजाइन एंड प्रोडक्ट डिजाइन में है, और बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, गेम एंड एंटरटेनमेंट डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और बैचलर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स आप प्रोग्रेशन में ले सकते हैं। बैचलर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। ये बस वो प्रोग्राम थे, तमाम तर प्रोग्राम थे, डिप्लोमा थे, जो बेसिकली यूनिसा या यूनिवर्सिटी साउथ ऑस्ट्रेलिया ऑफर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट को थ्रू पाथवे अंडर ग्रेजुएट पे। इसके अलावा कोई और ऐसी डिग्री अगर आप सबको कहता है कि उसकी प्रोग्रेशन मिलती है, वो भी पॉसिबल। अदर देन दैट, अंडर ग्रेड के अलावा पोस्ट ग्रेड के ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी बेसिकली ऑफर करती है, जो कि बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आते हैं। ड्यूरेशन 6 मंथ्स की होती है, इनटेक मार्च एंड अगस्त है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए $18,400 पर मॉड्यूल की फीस है। सिंपल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मैनेजमेंट के लिए सिंपल ये है कि ऐसे बच्चे जिन लोगों ने 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री की हुई है फ्रॉम सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी एज पर नूसर गाइड, और वो
यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और 3 ईयर्स की डिग्री होने की वजह से एलिजिबल नहीं है तो दे कैन गेट एडमिशन इन ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो कि 6 मंथ्स और ईयर का होता है, सेक्शन 1 से है। और ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका मैंने क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के लिए क्या क्राइटेरिया है, आप अपना जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। IELTS 6.5 with no less than 6.0 in each, PT 58 with minimum 50 in writing and reading, TOEFL IBT 79 with minimum 18 in all section। ये आपको सेकेंड सेमेस्टर ऑफ द यूनिसा आपको प्रोग्रेशन दिलवाता है ये ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर। इंटरनेशनल मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको मेजर मिल जाएगा फाइनेंस, इसके अंदर HRM, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट या एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स आप चूज कर सकते हैं। मास्टर्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो अवेलेबल विद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट 1.5 ईयर्स, नो PhD, ड्यूरेशन कम है, और एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, HRM, टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम आपको मिल रहे होते हैं। तो दे हैव द वैरायटी ऑफ ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट कि दे कैन कम थ्रू दी ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड गेट दी प्रोग्रेशन इन देयर डिजायर प्रोग्राम विच दे आर इंटरेस्टेड टू डू अ मास्टर्स। अब बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप एंड बर्सरीज की, इसे कहते हैं SIBT इंटरनेशनल मेरिट स्कॉलरशिप। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ऐसे स्टूडेंट्स जो SIBT से पढ़ रहे हैं या जिसे हम यूनिवर्सिटी साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए SIBT कह लें, ये 15% तक की ट्यूशन फी रिडक्शन दे देती है। एज यू कैन सी ऑन द क्राइटेरिया, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और ये मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर आप जाएं तो मैंने तमाम डिटेल्स मेंशन की हुई हाउ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन अवेल दिस 15% स्कॉलरशिप और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली क्या है।